चीन की राजधानी बेजिंग स्थित अमेरिकी दूतावास के बाहर गुरुवार को धुआं उठने से हड़कंप मच गया। बेजिंग पुलिस ने इस मामले पर कहा कि चियांग जिले में 26 साल के युवक ने दिन में करीब 1 बजे पटाखे जैसी चीज जलाई, जिससे ये धुआं उठा। पुलिस ने कहा कि पटाखे जलाने से वो घायल हुआ है और इसके अलावा कोई दूसरा घायल नहीं हुआ है।